तो केम छो मजा माने, तो आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज, जो कि हमारे लिए तो आसान नहीं होगा क्योंकि भाई 15,000 वॉकिंग स्टेप कोई मजाक की बात नहीं है। अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उधर से 7 किलोमीटर हमें दूर जाना है और तो 7 किलोमीटर फिर चल के वापस आना है, तो इस वाले सफर में हमें टोटल 14 किलोमीटर चलना है। तो मैंने इस वाले कैरी बैग में टोटल 4 kg पानी और 1 kg फूड लिया है जो कि हमारे ट्रैवलिंग में मदद करेगा। तो चलो लेट्स टू गो। आपको मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आप एक दिन में इतना चले, लेकिन वन डे डेली आपको इसी रूटीन को फॉलो करना है और कम से कम 1000 तो स्टेप तो चल ही पाएंगे ना, जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन एक सेकंड, आप में से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो वर्क ही इतना रहता है कि एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो भाई वर्क वर्क की जगह रहने वाला है और एक्सरसाइज एक्सरसाइज की जगह रहने वाला है। तो मैंने पेडोमीटर कब का स्टार्ट कर दिया था, जो आपको स्क्रीन पर बिग कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे स्टेप है, और जो लॉन्ग स्क्वायर में जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है 8.9 कैलोरी वो हमने बंद की है, और बाकी के 3 मुझे गलत लग रहे हैं क्योंकि हमारे को ये चैलेंज स्टार्ट किए हुए पूरे 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं और इसमें सिर्फ 57 सेकंड दिखाए गए हैं। ओके, तो 1000 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और तो मुझे अब भी से डिहाइड्रेशन से कुछ महसूस हो रहा है। ये चैलेंज स्टार्ट होने से पहले मैंने बेनिफिट और साइड इफेक्ट देख लिए थे, जिसमें ये कह रहे थे कि जब आपके 50,000 एक साथ चलेंगे तो आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द तो रहेगा। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि हम हाफ वे 2 आवर में तो खत्म कर ही लेंगे। तो मैंने मैप में सर्चिंग कर लिया था, तो उन्होंने दिखाया था कि ये यानी आधा यानी 7 किलोमीटर 1 hour and 20 to 25 minutes में तो हम कंप्लीट ये वाला तो कर ही लेंगे। हमको एक्स्ट्रा 40 या 30 मिनट भी लगने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ में मेरे छोटे फ्रेंड को भी साथ ही ले आया हूँ, इसीलिए हमें रुक रुक कर चलना होगा जैसे कि डिहाइड्रेट ना हो, और पानी पीने के लिए और फूड कंज्यूम करने के लिए भी हमें रुकना ही होगा क्योंकि यार अभी 12 बज रहे हैं और गर्मियों का टाइम है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी रुक कर ही चलना होगा। 2000 स्टेप खत्म हो चुके थे एंड मुझे लगने लगा था कि ये चैलेंज मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है, और तो और पानी का सोर्स भी फास्टली खत्म हो रहा था। इसमें मुझे 2 बातों पर ध्यान रखना था, एक तो पानी का सोर्स भी ना खत्म हो और मेरे साथ जो मेरा छोटा फ्रेंड आया है उसको डिहाइड्रेट भी महसूस ना हो। धीरे धीरे पैरों का दर्द भी बढ़े जा रहा था। 3000 स्टेप खत्म हो चुके हैं एंड मुझे लग रहा है कि मेरा बैग धीरे धीरे हैवी होता जा रहा है। अभी तो हमारे बहुत स्टेप चलने के बाकी है, तो मिलते हैं 5000 स्टेप पर। ओके, तो हमारे 5000 स्टेप तो पूरे हो चुके हैं और ये 5000 स्टेप मुझे बहुत मुश्किल लगे क्योंकि एक और हमारे 5 kg का बैग पे था, इसीलिए मेरे कंधे में दर्द रहता था। अभी तो सिर्फ 5000 स्टेप ही पूरे हो रहे हैं और मेरे को गिव अप करने का भी मन हो रहा है, लेकिन हम आज कुछ भी करके 50,000 स्टेप तो चल ही लेंगे। एंड इसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, वो है बैक पेज। यार बैक पेज बहुत हैवी है। तो मैं उस वाली लोकेशन से 10 या 15 मिनट आराम करने के बाद निकलने लगा था। लग रहा है बारी बारी में सब में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे पूरी बॉडी दर्द कर रही है अभी तो। आखिरकार 10,000 स्टेप खत्म हो चुके हैं एंड मुझे अभी से बहुत थकान महसूस हो रहा है। ये चैलेंज लेने से पहले मैंने YouTube पर देखा था कि ये चैलेंज किस किस ने लिया है, तो उसमें वो लोग 100K स्टेप चैलेंज लेते हैं। तो मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सारी वीडियो एडिटेड वीडियो है। चैलेंज लेने से पहले मेरे को भी लग रहा था कि ये वाला तो चैलेंज एकदम चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन भाई 10,000 स्टेप में ही मुझे पता चल गया है कि क्या होगा मेरे साथ। अब तो 25,000 स्टेप खत्म हो जाएंगे तब हम आपसे मिलते हैं। और तो भाई यहाँ तो सुमसाम है, हमारे अलावा इधर तो मतलब कोई भी नहीं है, तो इधर शूटिंग बढ़िया से होगी। हम जहाँ आए हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है, तो कुछ क्लिप्स आप भी देख लो। तो 25,000 स्टेप पूरे हो चुके हैं। आपको ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं भाई। 25,000 स्टेप पूरे करते करते भाई पसीना आ गया है, और तो और ये गर्मी का मौसम है इसीलिए मुझे डिहाइड्रेट भी महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार पानी भी पी रहा हूँ और कुछ फ्रूट्स मैं साथ ही लाया था वो भी खा रहा हूँ, जैसे कि मैं बेहोश ना हो जाऊँ। लेकिन खुशी भी इस बात की है कि मैंने भाई पहली बार 25,000 कंप्लीट कर लिया, और तो और मैंने
पहली बार 7 किलोमीटर एक साथ में चला है तो वो वाली खुशी तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मैंने अभी तक जितना सफर तय किया है इतना ही सफर हमें इधर से वापस चल के जाना है। मतलब भाई मेरे को अब लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन ये चैलेंज लिया है तो हम पूरा तो 100% ट्राई करेंगे कि ये वाला चैलेंज हम जल्द से जल्द पूरा करें। और तो और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है और सिर में भी थोड़ा बहुत दर्द हो ही रहा है यार। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब यार जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में बहुत बहुत मेहनत लगी है। तो अब मिलते हैं 35,000 स्टेप चलने के बाद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप दुबई चले गए, जाने वाले के जा नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए मान लीजिए कि आप दुबई चले गए, वहाँ आपने अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची, अच्छी अच्छी वीडियो भी निकाली और घर आके आपको पता चले कि सारी के सारे वीडियो और फोटो डिलीट हो चुकी है, तो आपका उस टाइम रिएक्शन कैसा रहेगा? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अब जब एडिट कर रहा था मेरी वीडियो तो मुझे पता चला कि मैं 35,000 वॉकिंग स्टेप है उसकी वीडियो क्लिप निकाली नहीं है। मतलब वीडियो क्लिप तो निकल रहा था, लेकिन उस टाइम धूप की वजह से मुझे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था कि वीडियो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, और मैं बेवकूफ कब से बोले जा रहा था वीडियो। घर आके मुझे तो मेरे पर इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्या ही बताऊँ यार। मतलब भाई सारी मेहनत, वो वाली मेहनत पानी में फेंक गई लग रहा है। ओके, तो 45,000 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं, एंड मतलब भाई इतनी खुशी हो रही है, अब तो सिर्फ 5,000 स्टेप ही बचे हैं और ये 5,000 स्टेप भी हम बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे। एंड ये चैलेंज हमने लगभग 90% तो कवर अप कर ही लिया है। सबसे बड़ी मुश्किली तो अब स्टार्ट होगी। 45,000 पर हमने रेस्ट तो ले लिया, लेकिन रेस्ट लेने के बाद हमें लग रहा था कि बस वीडियो में कह दूंगा कि 50K पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि भाई 2.5 किलोमीटर ही बाकी है तो पूरा कर दे। आगे मैं रेस्ट करने बैठा था तो मुझे लग रहा था कि भाई हम तो लाइफ हैक से ट्राई करेंगे, ये चैलेंज गया बाढ़ में। लेकिन उसी टाइम मैंने इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल रील्स देख ली भाई, उसके बाद तो अपनी गड्डी रुकी ही नहीं है। 59,500 स्टेप कोई मजाक की बात नहीं है। उसमें होता क्या है कि आप डिहाइड्रेशन की वजह से आपको प्यास भी लगती है, और हमने जो भी बॉटल है भरी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई।